वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल वॉइस टीवी। एसपी अजय शंकर राय ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करके पकड़े गए 25,000 के इनामी बदमाश के बारे में जानकारी देते हुए बताया है, किशनी पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 साल से मर्डर व गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। फरेंजी निवासी जितेंद्र शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा को बदरपुर हरियाणा बॉर्डर से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था। बदमाश के पास से पुलिस को एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने 25,000 के नामी बदमाश को पकड़ने वाली स्वाट टीम और किशनी पुलिस की सराहना की है। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2007 में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी जिसमें अभियुक्त तब से लगातार फरार चल रहा था। हम लोगों ने जो पुराने फरार अपराधी हैं जो इनाम घोषित भी हैं उनके अभियान चला रखा, उसी के तहत जितेंद्र शर्मा नाम के अपराधी की आज गिरफ्तारी हुई है। 25,000 का इनाम घोषित था। इसके लिए हमारी टीम को प्रदेश के बाहर जनपदों में जाना पड़ा, लेकिन हरियाणा और दिल्ली तक हमारी दबिशें गई। उसके बाद आज ये सफलता हमको मिली। सर, किसकी हत्या की गई? छोटे से एक बहुत कम अमाउंट के विवाद के लिए, आपसी विवाद में ये हत्या की थी दो लोगों ने मिलकर तीसरे व्यक्ति।